यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार हो गया है। आज अपने इस नए घर में स्मृति ईरानी ने पति जुबिन ईरानी संग विधि विधान से गृह प्रवेश किया। वैदिक मंत्रों के साथ स्मृति ईरानी सिर पर कलश रखकर अपने नए नवेले घर में दाखिल हुई। इससे पहले पूजा अर्चना हवन समेत कई रस्में अदा की गईं। बाबा महाकाल के दरबार से यहाँ पर वास्तु पूजन के लिए आए गए हैं। भगवान की 2 दिवसीय वास्तु पूजन की गई है। संपूर्ण विधान के साथ में वास्तु का पूजन किया गया है। यहाँ पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया है जिसमें शिव परिवार है, दुर्गा है, राम परिवार है। इस तरह से संपूर्ण यहाँ पर परिवार का स्थापना की गई है। प्रातः काल से ही यहाँ पर मंगल ध्वनि का वातावरण रहा है। भगवान को कल यहाँ पर भगवान के वास किए गए थे, जलादिवास, धान्यादिवास, पुष्पाधिवास किया गया था। उसके बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। घर के अंदर वास्तु का प्रवेश किया गया है। महिला ने, माननीय सांसद महोदय ने कलश धारण करके, कलश मस्तक पर लेकर घर के अंदर प्रवेश किया है और जनता की कामनाओं को पूर्ण करने का संकल्प लिया है कि इस दरबार में जो भी आए उसकी कामनाएं पूर्ण हो। देखिए, गृह प्रवेश का अपने शास्त्र में बड़ा महत्व है क्योंकि जब तक गृह प्रवेश नहीं होता है उस स्थान का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि जब तक उसके अंदर प्राण नहीं आएंगे, जिस प्रकार एक शरीर के अंदर बिगर प्राण के कुछ भी नहीं, उसी प्रकार गृह प्रवेश का अर्थ ये कि इस घर के अंदर पूरी पॉजिटिव एनर्जी आए कि जिससे इसके दरबार के अंदर इस स्थान पर जो भी आए तो उसके समस्त कार्य पूर्ण हो, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ में गृह प्रवेश किया गया है। बता दें कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार केंद्रीय मंत्री व अमेठी की सांसद ने अपने नए आवास में प्रवेश किया। पूजा पाठ के बाद पहले उन्होंने पूजित कलश सिर पर रखकर घर के चारों तरफ परिक्रमा की, फिर पति जुबिन ईरानी के साथ घर में दाखिल हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इससे पहले स्मृति ईरानी और उनके पति हवन पूजन में शामिल हुए।